ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं तदापि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखांबितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Dhanvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. There is one, एक चीज बहुत स्पेशलिटी होती है कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर जब कृष्ण कॉन्सियसनेस का टेस्ट बढ़ने लगता है तब एक साइन है। अगर आपका जपा के अंदर जो है आपको हकीकत में टेस्ट आना लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्टेबल हो रहा हूँ कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर, तो एक साइन हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है और वो हमको चेक करना है कि वो साइन हमारे जीवन में आ रहा है कि नहीं। अगर वो साइन नहीं आ रही है दैट मीन्स भले हम किसी को कुछ भी बोले लेकिन अभी भी हमारे कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर अभी तक टेस्ट आया नहीं है। सो वॉट इज दैट साइन? अगर आपको जपा के अंदर टेस्ट आने लगा है, कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर टेस्ट आने लगा है, तो एक साइन आएगी। और वॉट इज दैट साइन? आपको सेवा करने की इच्छा बहुत होने लगेगी, बहुत अच्छी, बहुत सेवा करने की। आपको कुछ ना कुछ यूर आप ना एनालिसिस करते हो, मुझे कहां किसी की कोई सेवा मिले क्या, मुझे कहां पर भी कोई किसी की सेवा मिले। और मैं सेवा और सेवा करते करते जो है इतना आनंद आता है। जो व्यक्ति के लिए सेवा करते हो ना वो व्यक्ति को तो आनंद आता ही है लेकिन उससे ज्यादा आपको आनंद आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, वी हैव एवरी थर्सडे वी हैव अवर थर्सडे प्रोग्राम। अभी थर्सडे प्रोग्राम जो है वो पिछले 30 साल से चल रहा है। दैट्स व्हाई आई डोंट कॉम्प्रोमाइज दैट प्रोग्राम। अगर 30 साल के बाद में भी अंदाज से 125 to 140 devotees every Thursday they come and they attend the program. I have a very simple formula. ये program जो है वो टिकेगा तभी जब एक barometer हमारा वहाँ पे। और मैं हमेशा सबको बोलता रहता हूँ कि वो we have a railway colony है हमारे बोरीवली में, railway colony के अंदर ये program होता है हर गुरुवार को शाम को। एक हमारे devotee है, बहुत सुंदर devotee है, कृष्ण गोपाल प्रभु, वो क्लास देते हैं। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला मैं सबको बताता रहता हूँ कि हम लोग जो है प्रोग्राम खत्म होता है फिर कीर्तन, नहीं पहले हम जपा सबको, प्रोग्राम क्लास खत्म, पहला मंगल सब मॉर्निंग संध्या आरती होती है, फिर बाद में थोड़ा कीर्तन होता है, फिर क्लास होता है और फिर सबको एक माला करवाते हैं। समाव आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, जो भी आता है माला किए बिना जाना नहीं चाहिए। तो एक माला सबको करवाते हैं हम लोग और एक माला करवाने के बाद में वी हैव ए कीर्तन और फिर हम प्रसाद सबको सर्व करते हैं। अभी हमारा प्रसाद जो है ना प्रभु, वो माताजी लोग पिछले 30 साल से कॉन्ग्रीगेशन माताजी लोग एक एक आइटम बना बना करके घर से बना करके लेके आती है प्रोग्राम में, वहां पे ऑफर करते और प्रसाद देते। लेकिन मेरा वो तो है ही, माताजी लोग आज भी 30 साल के बाद में भी अभी भी सीरियसली सेवा कर रही है। बस 125 से 150 लोगों का प्रसाद बनाते हैं प्रभु, एंड देट टू एवरी वीक। और वहां से सब सामान ये सब ले करके रिक्शा में लेके आते हैं, यहाँ पे ऑफर होता है, फिर सब होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है प्रभु, वो 125 से 150 लोग जो है जो प्रसाद लेते हैं ना, फिर जो है बाहर हम लोग ने जो है पानी का ड्रम और वो सब चीज रखते हैं,
और हमारे कॉन्ग्रीगेशन के डिवोटी जिसने कभी भी अपने किचन के अंदर या अपने घर पे प्रसाद लेने के बाद में कोई भी डिश धोया नहीं है, कभी भी धोने का काम नहीं किया है, वो सब लोग वहां पे बैठते हैं और वो डिश धोते हैं। और द बेस्ट पार्ट विच आई रियली अप्रिशिएटेड सो मच कि जो है ना तीन लोग बैठते हैं, वो एक जो है ना पानी डालता है वो डिश के ऊपर जो डिवोटी आता है, दूसरा जो है एक पहला बराबर साफ करता है और तीसरा एकदम और क्लीन करके एक साइड में रखता है। ऐसा तीन डिवोटी बैठते हैं वो साफ करने के लिए। और वो साफ करने के बाद में मेरे को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है, उसके पीछे तीन डिवोटी खड़े रहते हैं विद दैट इंप्रेशन के प्रभु आप थक गए तो हम जल्दी बैठ जा रहे हैं आपकी सेवा। और फिर जैसे वो तीन बैठते तो उसके पीछे वापस तीन आकर के खड़े रह जाते। दिस आई फील इट, जिस मैं सबको बोलता हूं जिस दिन यहाँ पे बैठने के लिए किसी की भी इच्छा नहीं होगी ना, गांव कुछ भी कहे हमारा प्रोग्राम ये मुझे उससे हमको कोई उससे लेना देना है, जिस दिन यहाँ पे बैठने की किसी की भी इच्छा नहीं होगी दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनी प्रीचिंग प्रोग्राम एंड डिवोटीज आर नॉट गेटिंग सो टू से नरिशमेंट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। वेरी सिंपल फॉर्मूला। जिस दिन डिवोटी को उतना ही उत्साह रहेगा वो डिश धोने का, और मैं आई कैन टेल यू प्रभु इतने इंटेलिजेंट और इतने क्वालिफाइड लोग जिसने अपने घर के अंदर कभी भी डिश धोया नहीं है वो डिश धोने के लिए बैठते हैं। और वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो ना, देखो प्रभु जी जो है ना जिसने डिश धोया नहीं होता ना उसका उसका स्पीड उसका घुमाने का उसमें से समझ में आ जाता है कि ये इसने कभी भी किया नहीं है, लेकिन इधर बैठ जाता है करने। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बैठते हैं धोने के लिए। And this gives me so much so to say love and respect for the congregation. मैं बैठता हूँ नहीं हूँ क्योंकि मैं बैठता हूँ तो सब लोग को awkward लगने लगता है और मुझे वो position नहीं लगी। This Thursday मैंने और कृष्ण गोपाल प्रभु दोनों ने, of course we have not told to anybody, but मैंने और कृष्ण को जब क्लास देते मैंने हम दोनों ने नकली मतलब कुछ भी हो है, ये थर्सडे को मैं और हम दोनों बैठ करके डिश धोएगा और किसी को भी जो है किसी को भी बोलना नहीं हम डिश धोएंगे, क्योंकि हम जो है हमारा डिश जो है ये लोग धोते रहते हैं और हम खाली खड़े रह जाते हैं। दिस थर्सडे वी आई एम कृष्ण गोपाल वी बोथ आर गोइंग टू डिश वॉश द डिश, बट प्रभु दिस इज कृष्ण कॉन्सेप्ट। मोर एंड मोर यू एडवांस, मोर एंड मोर यू आर फाइंडिंग, आप माइक्रोस्कोप लेकर के चेक करना चाहते हो कहां पर मुझे सेवा मिल रही है। एंड एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज सेल्फलेस। हाँ प्रभु इतना सुंदर भक्त लोग जो है जब प्रोग्राम खत्म होते हैं तो पूरा रूम धोते हैं, साफ सफाई करते हैं और इतने भी, और वो भी सुबह में पूरा दिन जो है प्रभु बंबई में ट्रैफिक ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना थक जाने के बाद में रात को आने के बाद में वो करने का है, साफ सफाई करते हैं, माता जी लोग प्रसाद जो है वो सब वाइंड अप करती है, सब अपने ड्रम्स और सब वेसल्स वापिस लेके जाती है। एंड दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, हार्ड कोर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड कोर सर्विस एटीट्यूड। प्रभु बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन करने का ये सब चीज अच्छा है, लेकिन एक्शन में जब ये रखता है ना तभी आदमी को उत्साह मिलता है, उसको देखता है। मैंने मैंने देखा है डिवोटीज प्रभु जी अपने घर के अंदर जो है ना मोरी में कभी भी वो खड़े भी नहीं रहते, वो व्यक्ति जो है यहाँ पे पानी लेकर के डिश धोते। दैट गिव्स इंस्पिरेशन। एनीवे आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक एंड आई एम नॉट सपोज टू स्पीक ऑल दिस थिंग, I have to speak on Jagannath Rath Yatra, sorry Prabhu. But I felt it, devotees are so good. I see devotees every day, so I feel very good. Yeah, these devotees are really getting very, very serious taste. And they should understand now what is the barometer. That's why I felt I should speak on this. Anyway, Prabhu, I wanted to speak something very serious. Oh, wapre, 20 minutes hai mere paas, I'll speak very, very fast now. Prabhu, फ्राइडे को जगन्नाथ रथ यात्रा है। वी नो द पास्ट टाइम्स ऑफ जगन्नाथ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ नीलाचल में, ये सब चीज हमको पता है। लेकिन वी बीइंग ए डिव, क्योंकि अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 32 राउंड्स के लिए, ऑफकोर्स मंडे टू फ्राइडे तो मिलेंगे लेकिन क्लास नहीं होगा, तो प्रभु सैटरडे को हम मिलेंगे, उसके पहले ऑलरेडी जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई होगी। क्या हमको कॉन्शियसनेस रखनी है, क्या भावना हमारी होनी चाहिए रथ को देख करके? अगर आपको चांस मिला है, अगर आप जगन्नाथपुरी जाने वाले हो और आपको चांस मिलने वाला है, देयर आर मेनी डिवोटीज दे आर टेलिंग मी दे आर गोइंग टू गो टू जगन्नाथपुर, अगर चांस मिल रहा है रथ खींचने का, या तो आपको इस्कॉन के सेंटर्स में हो, क्योंकि हमारे बंबई में मीरा रोड के अंदर राधा गिरधारी मंदिर में
जगन्नाथ का रथ यात्रा होने वाला है, एवरी ईयर होता है, और पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, 2 साल के बाद में हो रहा है यहाँ पे। बड़ौदा में भी मैंने सुना कि बड़ौदा के अंदर भी उसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। सो जिधर आपको चांस मिले रथ खींचने का, जो है कीर्तन करने का, हमारी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए प्रभु, हम क्या भावना रखनी चाहिए, किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग और क्या भावना होकर के हम जगन्नाथ को खींचना चाहिए। आई थॉट लेट मी डिस्कस ऑन दैट, जिससे जो है ना प्रभु हमारी भावना एकदम फोकस हो जावे रथ यात्रा के वक्त पे। सो लेट अस प्रभु जी, 3-4 पॉइंट्स मैंने आई थॉट आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। प्रभु जी, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे रथ यात्रा इज द फेस्टिवल ऑफ फीलिंग्स, रथ यात्रा इज द फेस्टिवल ऑफ फीलिंग्स प्रभु, इट इज नॉट एक्सटर्नल प्रभु, इट इज मोर इंटरनल। इंटरनल तुम्हारी क्या कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर हमको जो है रथ यात्रा का फायदा मिल रहा है। और गौड़ीय जो है ना प्रभु, गौड़ीय गिव्स मोर फोकस टू इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल। बेसिकली जो है ना प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बाहर की लड़ाई नहीं है प्रभु। अगर बाहर की लड़ाई कितनी भी बड़ी होगी, लेकिन आपके अंदर की लड़ाई जो है नहीं है ना कुछ भी, और अंदर की अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही है ना, तो बाहर की लड़ाई कितनी भी भयानक होगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर की लड़ाई कुछ है ही नहीं, लेकिन अंदर की बहुत लड़ाई चल रही है ना, तो आप मिजरेबली रहोगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाहर की लड़ाई से ज्यादा अंदर की लड़ाई है, और गौड़ीय उसी पे फोकस करता है। सो बेसिकली जो है प्रभु, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फीलिंग्स। सॉरी प्रभु, आई हैव लॉट्स ऑफ कफ नाउ। Now, what are the factors that you have to learn from Rath Yatra? Pahla, Prabhu, unless and until aapke life ke andar service attitude nahi rahegi, Jagannath will not be pleased with us. You have to be very clear, Prabhu. Aap dekho, Prabhu, Jagannath Rath Yatra ke pahle bhi jo hai na, Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu ne bhi wo consciousness develop kar liya tha, sab devotees ke saath mein, aur sabko service pe laga diya tha, sabko seva mein laga diya tha. अब देखेंगे, पर रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन हुआ है, और गुंडीचा मार्जन में हरेक डिवोटी एंगेज हो गए हैं सेवा करने के लिए। वहां तक अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर हु इज अ नामाचार्य, सब लोग सेवा कर रहे हैं। एवरीबडी, इवन महाप्रभु कृष्णा हिमसेल्फ इज ऑल्सो डूइंग सर्विस। प्रभु, जब तक ये सर्विस एटीट्यूड नहीं होगी ना, जगन्नाथ विल नॉट बी हैप्पी विद अस। वहां तक हुआ है प्रभु कि कृष्ण महाप्रभु वॉज नॉट गिविंग मर्सी टू हरिदास, अपना प्रताप रुद्र महाराज, प्रताप रुद्र महाराज को मर्सी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, जिस दिन प्रताप रुद्र महाराज ने जो है ना वो झाड़ू लेकर के पूरा साफ किया रथ का जो रास्ते में, और वो जब एक राजा कंप्लीटली सर्विस एटीट्यूड, मुझे वैष्णव की सेवा करनी है, रथ यात्रा की सेवा, जगन्नाथ की सेवा करनी है, जब महाप्रभु ने वो देखा तब उनको समझ में आ गया दिस पर्सन हैज सर्विस एटीट्यूड। और उसकी वजह से जो है उसी दिन जो है प्रताप रुद्र महाराज को ऐसी मर्सी मिली है। महाप्रभु वॉज नॉट इवन मीटिंग प्रताप रुद्र महाराज के, मैं सन्यासी हूँ, वो राजा है, मैं कैसे मिल पाऊंगा, मैं मिलूंगा नहीं उनको। दिस इज अगेंस्ट अवर कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी, इस तरह से महाप्रभु बातें करते थे। लेकिन फिर बाजू में एक बार जो है रथ यात्रा एक जगह पे रुका, और फिर महाप्रभु थोड़ा आराम करने गए, और सभी लोगों ने प्रताप रुद्र महाराज को बोला कि आप राजा का वेश निकाल दो और एक सिंपल वेश पे करके महाप्रभु की सेवा करो। थक गए महाप्रभु, और महाप्रभु का पाव दबाने लगे और गोपी गीत गाया, और वो गोपी गीत में जो आखिरी वर्ष है, तव कथामृतम तत्त्व जीवनम, उसका मीनिंग यह है प्रभु के जो भक्त को जो है हरिनाम का टेस्ट और वैष्णव और कृष्ण कथा का टेस्ट आया है, वो व्यक्ति पर कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी समय जब महाप्रभु ने वो तव कथामृतम तत्व जीवनम के पे जो है जब वो वर्ष सुना, तो महाप्रभु एकदम आलिंगन दे दिया प्रताप रुद्र महाराज को, और कहा भूरिदा भूरिदा आप महान हो, कि आप ये मुझे प्रवचन, आप मुझे ये बता रहे हो। क्योंकि वो वर्ष के अंदर इस तरह से है कि जो व्यक्ति जो है जो कृष्ण कथा सुनता है या हरिनाम लेता है, वो जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है, लेकिन उससे ज्यादा प्रिय वो है कि जो सबको ये प्रचार करता है।
तो महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन देकर के बोला, यू आर द मेन पर्सन, यू आर गिविंग मी सच ए नाइस नेक्टर। और फिर बोला, आप कौन हो? तब प्रताप रुद्र महाराज ने एक वाक्य बोला, मैं आपका सेवक हूं, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और फिर महाप्रभु ने उनको इतना आलिंगन दिया और ही गेव इज मर्सी। द बेसिक रीजन वॉज सर्विस, मेन रीजन वॉज सर्विस। जैसे अभी अभी हम लोग ही चर्चा किया प्रभु जी थर्सडे प्रोग्राम की, सर्विस एटीट्यूड प्रभु, सर्विस एटीट्यूड। आई गिव यू सम वेरी हैवी स्टेटमेंट राइट नाउ, वी हैव लेस टाइम, बट प्रभु अगर आपने जपा ही बढ़ाते गए, आप जपा बढ़ाते गए 32 राउंड, 64 राउंड, 128 राउंड, 192 राउंड, ये वो बढ़ाते गए, लेकिन आपकी सर्विस एटीट्यूड नहीं बढ़ रही है, टेक माई वर्ड्स प्रभु, समथिंग इज रॉन्ग इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, समथिंग इज रॉन्ग। सर्विस एटीट्यूड हैज टू बी पैरेलल विद अवर जपा। हो सकता है थोड़ा जपा कम करो, यानी इसका ये मतलब नहीं कि 16 राउंड ना करो, वेरी बहुत हाई स्टैंडर्ड पे जाते हो आप, तो उससे थोड़ा जपा कम करो, लेकिन सेवा करो प्रभु, बिकॉज कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज ओनली विद दैट। कल का हमने को क्लास सुना राधानाथ महाराज का, प्रभु उनका सेवा एटीट्यूड इतना ऊंचा था प्रभु जी, उन्होंने नक्की किया था कि कोई भी मेरे को अथॉरिटीज बोलेंगे मैं उसको कहां पर भी डिनाई करूंगा नहीं करूंगा, मुझे जाने की बहुत इच्छा है जगन्नाथ रथ यात्रा में, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को सेवा दिया गया है, एंड आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई सर्विस, आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई सर्विस। मेरे को जो है, मेरे को सेवा छोड़ करके भागना नहीं है, मेरे को अथॉरिटी का जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिला है उसके सामने अगेंस्ट नहीं जाना है मुझे, मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो जब कॉन्शियसनेस था प्रभु जी, 26 साल के बाद में जब प्रभु राधानाथ महाराज जब रथ यात्रा में 26 साल के बाद में आए हुए, और कैन यू इमेजिन प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ, हमारे जैसे लोग जो इंडियन बॉडी वाले लोग हैं ना, उनको भी जो है ऐसा चीज नहीं मिलता था, मिला नहीं है जो राधानाथ महाराज को एक फॉरेन बॉडी को मिल गया। कैन यू इमेजिन प्रभु, जो व्यक्ति को जो है जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर में भी अलाउड नहीं है, जो व्यक्ति खाली रथ यात्रा के अंदर खाली बाहर से जगन्नाथ को दर्शन कर सकते हैं, ही वाज हैप्पी विद दैट, लेकिन उसने जगन्नाथ ने उनको रथ पे बुलाया, और रथ पे बुलाने के बाद में वापिस ओनली राधारथ स्वामी एंड जगन्नाथ, दैट्स इट, नोबडी इज देयर एंड एवरीथिंग। और वो भी पंडा सब करवाया, पारस को पूजा करवाया, आरती करवाया, फ्री गिफ्ट करवाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग महाराज को बोला तुम जगन्नाथ को एम्ब्रेस करो। बोला मैं फॉरेन बॉडी, एक फॉरेन बॉडी को तुम जगन्नाथ को एम्ब्रेस करवाते हो? महाराज सर आई, मेरा हार्ट में तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं क्या करूं, और वो बोल रहा था तो आई हैव गिवन मायसेल्फ टोटली टू हिम। कैन यू इमेजिन ए पर्सन इज एम्ब्रेसिंग लॉर्ड जगन्नाथ, एंड दैट टू इन अ जगन्नाथ रथ यात्रा टाइम, जहां पे 10 लाख लोग खड़े। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्विस एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड। जगन्नाथ बिकेम सो प्लीज विद राधानाथ स्वामी, आउट ऑफ द वे महाराज ही अप्रिशिएटेड हिम एंड टोल्ड हिम कम कम टू माय चैरियट एंड लेट मी एम्ब्रेस यू। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र? बेसिक मीनिंग ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र इज कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, दैट इज द मीनिंग दैट प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से। और हम वाले बोलते रहते, हाँ 192 राउंड्स मल्टीप्लाई बाय 108, यानी कितना हो गया मालूम है? मेरे को मालूम है 1728 ऐसा कुछ होता है 16 माला के लिए, 1728 मल्टीप्लाई बाय 192, इतने टाइम हम कृष्ण को बोलते, कृष्ण प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, और बाद में कृष्ण बोलते ये सेवा करो, ठीक है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या हिपोक्रेसी है तेरी यार, क्या ड्रामाबाजी चल रही है, इतना बोलता रहता है मेरे को सेवा करो सेवा करो, सेवा देता तो भाग जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग प्रभु जी। और आप सिंसियर हो गए ना तो कृष्ण आपको सेवा देगा ही, और ऐसी सेवा देगा प्रभु, आई ओपन माय हार्ट, टाइम नहीं है तो मैं पता था प्रभु, आई ओपन माय हार्ट, आई एम ए डब्बू में, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को कुकिंग कुछ जमता ही नहीं है, डीटी वर्शिप मेरे को जमता ही नहीं है, कीर्तन तो मेरे को आता नहीं है, मृदंग बजाने को आता नहीं है, कुकिंग आता नहीं है, मैनेजमेंट आता नहीं है, मेरे लिए क्या होप है, मेरे लिए क्या होप है, मैं किसी सेवा कैसे करूं? कृष्ण ने क्या एक खोपड़ी में कुछ वो आंकड़ा दे दिया ना, आंकड़ा दे दिया, आंकड़ा था वो बनिया का बच्चा हो इसलिए आंकड़ा होगा ही ना,
आंकड़े तो जरा खोपड़ी में घूमता है क्योंकि बनिया हूं ना, बनिया के अंदर कून में हमारा आंकड़ा रहता है, और वो आंकड़ा खाली मेरे को आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो वो कृष्ण ने मेरे को आंकड़े के अंदर एंगेज कर दिया सेवा, फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ये करो, वो करो, और आई कैन टेल यू क्या कृष्ण ने दे दिया प्रभु, फुल्ली एंगेज, पूरे दुनिया से डिवोटी आते हैं, बातें करता है, और इतना आनंद आता है। टेक माय वर्ड, इट्स गिव्स सो मच नरिशमेंट, इट गिव्स सो मच नरिशमेंट। आई समटाइम्स फील इट व्हेन डिवोटी कम्स टू माय हाउस एंड दे क्राइंग, दे आर कंप्लीटली स्टक्ड अप, समबडी हैज चीटेड देम, ये वो हजार चीज होता है, रोते, मुझे भी टेंशन आते हैं, बाप रे ये डिवोटी बेचारा इतना सिंसियर है, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड इट आउट वेरी क्लियरली, सब सब सेटल कर लेते हैं, और जब सेटल करने के बाद तो सब प्लानिंग हो गया, सब प्लान होने के बाद में वो डिवोटी जब जाता है तो भी रोता है बहुत, वो अभी क्या है प्रभु, अभी तो सब, पहले तो मैं समझता था आप रोते थे तो मुझे लग रहा था कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अभी क्यों रो रहे हैं। वो एक बात के जो बोलता है ना, मीनिंग इज दिस, नॉर्मली दिस इज द मीनिंग, जब वो बोलता है मैं हिल जाता हूँ। पहले बोलते थे वो, पहले प्रभु जी जब मैं आया था ना तब दुख का रोना था, और अभी मैं जा रहा हूं ना प्रभु वो प्रेम का रोना हो रहा है कि तुमने मेरी लाइफ चेंज कर ली। When I hear this sentence, it really shakes me up. क्या कृष्णा, क्या मेरे जैसे आदमी को भी तुमने एंगेज लगा दिया जिसको कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता मेरे को भी एंगेजमेंट करवा दिया। So much obliged to Krishna. So first thing, Prabhu, most important thing is Prabhu, service attitude. Then only Jagannath will be pleased with us. Otherwise, Jagannath will never be pleased. But आप simple है प्रभु जी, आपके आप बहुत बहुत simple formula है। आपके 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे जो है प्रभु सब दुखी है और आप उसको देख करके ज्यादा दुखी होते हैं, और उसमें कोई व्यक्ति आकर के बोले 10 व्यक्ति आपके 10 बच्चे है सब दुखी है, मैं जो है ना प्रभु आपका एक बच्चे का जवाबदारी लेता हूं, उसको बराबर नर्चर करके उसको बराबर ठिकाने लाते हो प्रभु, आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, कितने खुश होगे वो व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी। एग्जैक्टली दैट हैपेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो। पूरी दुनिया कृष्णा के सब हम अंश है, ममाय वर्सस जीव लोक जीव भूत सनातन, हम सब कृष्णा के अंश है प्रभु, और सब रगड़ रहे हैं यहाँ पे। उसमें कोई डिवोटी आकर के कृष्णा को बोल रहा है कृष्णा मैं आपकी सेवा में एंगेज रहना चाहता हूँ, कुछ सेवा करके मैं जो है दूसरे डिवोटीज को ऊपर लाना चाहता हूँ, और मैं भी सेवा करके आपको बताना चाहता हूँ कि आई वांट टू सर्व सेल्फलेसली। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, द सर्विस शुड बी एब्सोल्युटली सेल्फलेस, ग्रॉस और सटल हमको कुछ भी नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट टू सर्व। जब वो कॉन्शियसनेस होगी प्रभु, कैन यू इमेजिन हाउ मच कृष्णा विल बी प्लीज्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग प्रभु, सर्विस एटीट्यूड, तभी जो है रथ यात्रा का आपको फायदा मिलेगा। एंड जगन्नाथ प्रभु जी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, ट्राई टू सर्व हिम इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी यू। हम रथ यात्रा में जाने के बाद में भी प्रभु, हम रथ यात्रा में नहीं जाएंगे अगर हमारी वो सर्विस एटीट्यूड नहीं होगी तो। और अगर एक्सटर्नली हम रथ यात्रा में नहीं भी जा पाए, जगन्नाथपुरी या कहां पर भी, इधर बंबई बड़ौदा आप नहीं है, आप दूसरी जगह पे, और इधर होने के बावजूद भी आप नहीं जा पाए, ऑनलाइन से देखा या लाइव देखा वीडियो में या टीवी में या व्हाट्सएप अरे वो यूट्यूब में, फिर भी प्रभु यू विल बी विद जगन्नाथ, बिकॉज जगन्नाथ लव्स यू, बिकॉज यू आर हैविंग सर्विस एटीट्यूड। द फर्स्ट थिंग इज सर्विस एटीट्यूड। सेकंड थिंग, सो आई हैव टू हैव, वी हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस, अदरवाइज देयर इज नो वे टू गो इन फ्रंट ऑफ रथ यात्रा, जगन्नाथ विल नॉट बी हैप्पी। प्रभु महाराज ने कल मेरे को बताया, वो लेक्चर में बताया था, वी वॉन्ट टू मीट जगन्नाथ एज जगन्नाथ टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट एट अवर टर्म्स एंड कंडीशन, वी वॉन्ट टू मीट हिम एट हिज टर्म एंड कंडीशन। सेकेंड पॉइंट प्रभु, जगन्नाथ को ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी वी हैव टू लर्न, वन डे और अदर वो आना ही पड़ेगा जीवन में, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ जगन्नाथ रथ यात्रा का मीनिंग क्या है। Basically, Jagannath is not from, Jagannath Rath Yatra has not started from Jagannath Puri to Gundicha. It has been done from Kurukshetra. Kurukshetra में जब कृष्णा ने जो है 100 साल के बाद में जब सब ब्रजवासी को बुलाया कि आप जो है ये eclipse है, यानी वो ग्रहण का टाइम था, तो आप इधर आओ, मेरी बहुत इच्छा है कि हम साथ में मिले। जब कृष्णा का इंस्ट्रक्शन था तो ब्रजवासी को हुआ कि चलो now let us go. क्या लाइफ में 100 साल फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, देयर इज नॉट अ सिंगल डे, नॉट सिंगल डे, फॉरगेट अबाउट सिंगल डे, सिंगल मोमेंट कृष्णा को भूले नहीं है।
वो सब ब्रजवासी लोग जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, सब गोपिया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब लोग जो है कुरुक्षेत्र गए। और जैसे वो कुरुक्षेत्र गए तो वो वेर शॉक्ड, दे वर रियली शॉक्ड सीइंग द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। वो अभी वो ब्रजवासी नहीं थे ना, कृष्णा इज नॉट ए ब्रजवासी, इज अ द्वारकाधीश। वो द्वारकाधीश होने के बाद में उनके 16,108 रानियां, इतना सिक्योरिटी, इतना राजा महाराजा का वेशभूषा, प्रभु दे कुड नॉट एक्सेप्ट इट। और वो लोग बेचारे सिंपल ब्रजवासी है प्रभु जी, सिंपल। उनको ऐसा लगा कि अभी हमारा तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है इनके सामने खड़ा भी रहने का, सब आजू बाजू में उनके सिक्योरिटी मैन ये रहा वो रहा, तो खाली वो औपचारिक रूप से हरिबोल हरिबोल किया होगा, दे फेल्ट इट। प्रभु जी एक चीज याद रखना, ये होता है लाइफ में, जब आपके लाइफ के अंदर एक एस्पिरेशन होता है कि मैं जो है ये व्यक्ति को मिलूंगा, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, और फिर जो है पूरे जीवन पर्यंत आप वो एस्पिरेशन के साथ में करते हो, और जब वो देखते हो कि वो एस्पिरेशन अभी नहीं होने वाला है, ये तो मतलब उल्टा ही हो गया है, तभी आपको ऐसा लगेगा अभी जीने का मतलब ही क्या है, क्या जीने का मतलब है, अभी हमको वो ऐसा कृष्ण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी कृष्ण तो द्वारकाधीश हो गया है, अभी हम कृष्ण को इस तरह से आदान प्रदान कर ही नहीं सकने वाले हैं, अभी हमारा जीने का मतलब क्या है। इमेजिन तो 100 साल से इतना फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन बना करके रखा था, एंड वो लोग का पूरी भावना टूट गई उस समय, एवरीबॉडी वर कंप्लीटली दे फेल्ट इट। हम तो एकदम सिंपल ब्रजवासी लोग हैं, हमारा क्या भी है, इधर तो सब राजा महाराजा द्वारकाधीश महाराज की जय 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 ये वो सब चल रहा था, हमारा क्या औकात हो गया अभी, इधर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ऐसा बोलते ना हृदय टूट गया उनका। एंड कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको समझ में आ गया कि ये सब गड़बड़ हो गया है, तो उन्होंने सब ब्रजवासी को बुला के लेट अस कम टू वन प्लेस, एक जगह पे जाते और वहां पे हम मिलते हैं तो सब, और वहां पे कम्प्लीटली ये सब कोई नहीं रहेगा, सब ब्रजवासी को वहां पे ले बुला गए। और कृष्णा ने पूरा अपना वेश जो है ना जो द्वारकाधीश का सब निकाल दिया, और निकालने के बाद में ही बिकम जस्ट लाइक ब्रजवासी, एब्सोल्युटली लाइक कृष्णा कन्हैया, वृंदावन का कन्हैया, उस हिसाब से कृष्णा ने दो ड्रेस बांध करके he came in front of all the Brajavasis, खास करके first he came in front of the gopis, और वो गोपियों के सामने specifically in front of राधा रानी he said I am a biggest criminal, राधानाथ महाराज always used to say this word he used, I am a criminal, you can give me any punishment you wanted, I have given you a promise कि मैं आपको मिलने आऊंगा और मैं आया नहीं हूँ, आपको जो punishment देना आप मुझे दे सकते हैं। And with that consciousness, Krishna started crying. And the best part of it is, Krishna bowed down to take the feet, take the dust of the feet from Radharani. मुझे माफ कर दो, मैंने क्या भूल कर दिया? And all the Brajavasis were watching Krishna. They were watching Krishna and they were seeing Krishna का भावना तो जैसा पहले था ऐसा ही है. ऑन द कॉन्ट्ररी इधर तो अभी इतना अच्छा लग रहा है कि ये तो उससे भी अच्छा लग रहा है कि इनका तो भावना हमारे पे बहुत है, देखो ये पाव पकड़ रहा है, इतना द्वारकाधीश का राजा है लेकिन इधर जो हमारा पाव पकड़ करके रो रहा है कि मैंने भूल कर लिया, तो उनका भावना जितनी टूट गई थी ना उतनी भावनी वापिस नर्चर हो गई। अभी नर्चर होने के बाद में जो है राधा रानी सेड हाउ कैन यू से दैट वे, आई एम ए डेटर, कि मैं जो है आपके फीलिंग्स इतना सेपरेशन के बाद में भी मैं जी रही हूँ, आई शुड बी कर्सिंग मायसेल्फ, में मेरा क्या प्रेम है, अगर मेरा प्रेम होता था तो मैं खड़ी यहाँ पे रह ही नहीं सकती थी। सो दिस वे वेरी वेरी हाई ट्रांसेंडेंटल टॉक्स वर गोइंग ऑन प्रभु, और फिर वो लोग को समझ में आया कि कृष्णा इज ऑल्सो नॉट सो नेचुरल, अभी इधर है लेकिन उनको इतना बराबर नेचुरल बनाने के लिए द बेस्ट वे, एंड वी आर ऑल्सो नॉट सो नेचुरल द वे वी कुड बी इन ब्रजवास इन वृंदावन, ऐसा वो नेचुरल एटमोस्फियर के लिए हमको कुछ ऐसी जगह चाहिए जहां पे कृष्णा भी नेचुरल बन जावे और हम भी नेचुरल रहे, ये हमको इधर से कृष्णा को लेके जाना चाहिए, इधर से लेकर के वी वांटेड टू टेक हिम टू वृंदावन, दिस इज द भावना प्रभु जी। इसलिए जो है एक रथ बना करके इन दर मेडिटेशन इन दर माइंड दे आर पुलिंग कृष्णा, एंड कृष्णा इज ऑल्सो रेडी द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, हमको लेकर के वृंदावन ले जा प्रभु। दिस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन इज वेरी वेरी डीप प्रभु, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर दिस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन हैज बीन गिवन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई भी है तो वो दैट फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। क्या कहूं प्रभु,
थोड़ा भी 5-10-15 मिनट ज्यादा ज्यादा देता हूँ मैं प्रभु, सॉरी, क्योंकि जब रथ यात्रा की कॉन्शियसनेस बराबर बना लेने का प्रभु, ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, अभी तो क्या लोच हमारा है, अभी क्या फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। हम रुपया के लिए फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन करेंगे लेकिन कृष्णा के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अटैचमेंट भौतिक दुनिया के इतना ज्यादा है। लेकिन हमारे गौड़ीय के अदर ये टॉप मोस्ट है। इवन जो है सड गोस्वामी अष्टकम के अंदर भी, व्हाट इज द लास्ट वर्स, हे राधे व्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कृपा, राधा रानी वेर आर यू, कृष्णा वेर आर यू। और इज इट नॉट प्रभु जी, इज इट नॉट करोड़ों जन्मों से अभी हम लटक गए यहाँ पे, फटके खाते रहे। वही आशा के हिसाब से हो गए कामयाब, एक दिन मेरे को मजा आएगी, उसमें मार खाते रहे। और अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है। सी, क्या वो डीप रूटेड डिजायर है मजा करने की, और वो मजा करने की जो डिजायर हमको कितना मार गई है। एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी बोलेगा, कृष्णा अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी आप मुझे, आप ही चाहिए, आपको मैंने छोड़ा है ना इसलिए मार खाया मैंने इतना, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू कृष्णा। जब ये आएगा और इतनी उत्कंठा आने लगेगी ना प्रभु, देन दैट फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन इतना बढ़ते जाता है। प्रभु हमारा तो आज के दिन, दिस इज नॉट, वी कैन कम इन आर्टिफिशियल वे। राधानाथ महाराज ने मेरे को बोला, महाराज ये कैसे हो पाएगा। महाराज ने एक वाक्य बोला था मुझे, विच वी हैव टू लर्न इट सो सीरियसली, दिस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन यू कैन गेट इट ओनली एंड ओनली एंड ओनली बाय वन वे, and that is only when Krishna is pleased with you. That's it. There is no other way, Prabhu. There is no other way. There is no other solution. There is no other way you can get that feelings of separation. Chaitanya Mahaprabhu bhi jo hai, wo feelings of separation mein jo hai, last verse is tashtam ka kya kehte hai? Aslishya vapad ratam pinashimam. Krishna, aap mujhe aalingon do, aap mujhe thukra do, aapko jo karna hai, main aapko nahi chhod sakta hu. This is what is intensity, Prabhu. This is what is intensity. This is what we want. नहीं आ रहा है मेरा बोला, लेकिन आया ही नहीं है, कृष्ण की कृपा नहीं आई तो क्या करूं मैं अभी महाराज, can you just tell me what is the solution for that? तब महाराज ने बताया, just follow these principles very seriously. What is the principle? Chant very seriously Harinam. Ideally, as we are doing Brahma Murat, one asan, one sitting, and complete focus, chant the holy name, serve the devotees in a selfless way, जैसा मैंने हमने discuss किया. Don't waste time. And follow consistency till the last breath of your life. And prove to Krishna that by your, not by your words, by your action also, that you are serious in devotional life. And you will do anything and everything to please Krishna. When you do this thing, and Krishna is convinced with that, then he can give you these feelings of separation. So Prabhu, this is the second point of feelings of separation. This which we have to learn on Rath Yatra. Maybe रथ को खींचू। एंड द थर्ड पॉइंट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम रथ यात्रा इज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ को हम याद करके बोले, जगन्नाथ जैसा आप यहां से निकल करके, जगन्नाथपुरी से निकल करके गुंडीचा आते हो और गुंडीचा के अंदर आप बैठते हो, प्रभु जगन्नाथ मेरे हृदय में कब आओगे, अभी मेरे हृदय में अभी आप कब आओगे जगन्नाथ, मैं संघर्ष कर रहा हूं, प्लीज एंटर माई हार्ट जगन्नाथ, मेरा आप थोड़ा चेक करना प्रभु। ऑफकोर्स वी हैव कम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और हमको पक्का समझ में आता है कि कुछ सुधारा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो हमको समझ में आएगा कितना कचरा है हमारे हृदय में प्रभु, कितना कचरा है। इसलिए गुंडीचा मार्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी, इट इज सो इंपॉर्टेंट इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज गिविंग ए कंप्लीटली ए क्लैरिटी इन अवर लाइफ। जगन्नाथ जो है गुंडीचा में बैठे क्योंकि वो बहुत नीट एंड क्लीन था, हमारा भी हृदय जब तक नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो जगन्नाथ नहीं आकर के बैठने वाला। एंड ए सिंसियर एंड मैच्योर डिवोटी जो है जगन्नाथ से बोलेगा, जगन्नाथ मेरे हृदय में आ जाओ। हाँ अभी आप बोलेंगे, फिर आप हम पूछेंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ पूछेंगे कैसे आओ, कितना कचरा है भरा इधर, कैसे बैठूंगा इधर में। हम आप देखना भी सकते प्रभु जी, जब कचरा जो है ना, तो अब झाड़ू मार करके कचरा निकालते हो ना, तो छोटा छोटा कचरा होता है, बहुत नया नया कचरा होता है ना, यानी बहुत
एक दो दिन हुआ तो जल करके निकल जाएगा, लेकिन जब कचरा बहुत गाढ़ा बन जाता है ना, बहुत दिन तक वो कचरा 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 रहता है ना, वो बहुत गाढ़ा बन जाता है, काला काला होकर के गाढ़ा बन जाता है, और वो काला गाढ़ा कचरा होता है ना, वो झाड़ू से निकलता नहीं है। एग्जैक्टली अपना ऐसा ही है प्रभु, इतना कचरा गाढ़ा बन गया है ना, इतना गाढ़ा बन गया है ना प्रभु, वो जो है ना प्रभु झाड़ू मारने से निकलता ही नहीं, इतना गाढ़ा बन गया है। मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज इसका सॉल्यूशन ही क्या है यार, करोड़ों जन्मों से खाली लस्ट हुआ है, ग्रीड, ईगो, एनवी, उसी में घूट घूट करके इतना गाढ़ा बना दिया हमने, और वो कचरा निकला नहीं है, और वो कचरा नहीं निकलने की वजह से दुखी है। मैंने महाराज को, महाराज इसका भी सॉल्यूशन क्या है, तो पानी से निकालो, तो लेकिन पानी तो निकलते कि और गाढ़ा झाड़ा बन जाता है, और वो झाड़ू से निकलता ही नहीं है पानी। तो महाराज ने बोला, वो पानी का जो है ना वन साइडेड पानी, एकदम उस पे फोकस करो पानी को एकदम, और बहुत समय तक एक ही जगह पे पानी डालते जाओगे ना प्रभु, तो वो जो है ना फिर बाद में वो गाढ़ा कम होने लगता है, कि पानी का प्रेशर इतना आता रहता है, और फिर वो प्रेशर से वो धीरे 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 पतला होने लगता है, और फिर वो निकलता है, और एक बार एक एक कचरा का थोड़ा निकलता है ना, फिर बाद में धीरे 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 सब निकलने लगते हैं। प्रभु दिस इज द प्रोसेस फॉर अस, व्हाट इज वो एक साइडेड, एक फोकस, पूरा फोकस करके पानी डालने का मतलब है कंप्लीटली कमिटेड फोकस एंड सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट, प्रभु हमारे अंदर इतना कचरा है, अगर हमारा अंदर का कचरा अगर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझ में आएगा ना, तो भले हम इधर बोलते हैं वंश कल्प प्योर डिवोटी ये वो हजार चित का एडजेक्टिव देते रहेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति हमारे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा हमको सब अंदर का कचरा देख करके। अरे दूसरे को तो छोड़ो प्रभु, वो तो नहीं रहेगा, हम भी खुद हमारे जहाज से हिल जाएंगे, बाप रे मैं ये हूं क्या। आई कैन टेल यू प्रभु, 60 years हो गया अभी तक लस्टी डिजायर नहीं गई है, मैं देखता हूँ हिल जाता हूँ, प्रभु जी क्या है यार, अभी इतने साल हो गया, शादी भी शादी जो क्यों किया था वो लस्टी डिजायर निकालने के लिए, लेकिन अभी भी निकला नहीं है। तब मुझे समझ में आता है, मेरा बाप ये क्या चल रहा है, ये क्या गड़बड़ हो रहा है, ये कितना अंदर से डीप रूटेड कचरा है। समझ में आ जाता है ग्रेविटी कृष्ण कॉन्शियसनेस की क्या है, अगर ये नहीं लूंगा, अर्जेंसी नहीं दिखाऊंगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली नहीं लिया मैंने, तो मेरी क्या हालत है, क्या मैं लोगों को बड़ा तिलक किया ना, बड़ा कंठी माला किया ना, धोती बराबर वो बॉर्डर वाला पहना ने, ढम ढम करके जो है ना वो बीड बैग घुमाया, लेकिन अंदर से तो खोखला हूं मैं। मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, एक मैच्योर डिवोटी के अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन एक चीज हुआ है प्रभु जी, पक्का एक चीज हुआ है हमारे लाइफ में, थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस से फायदा तो हुआ ही ना, तो हम क्यों इधर आते भाई, क्यों टाइम है, क्यों इधर पड़े रहते, सुबह में इतना जल्दी उठ करके एक आसन में वो भी एक लकड़ी लेकर के बैठते, 32 वाला क्रिया भी निकलने का नहीं है, इतना लकड़ी लगा करके भी क्यों बैठते। अरे हम तो यार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले लोग हैं, पहले देखते क्यों आते, देयर इज समथिंग चेंजेस डेफिनेटली टेकन प्लेस, वी आर गेटिंग सम नरिशमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हाई वी शुड बी कम ओवर हियर, नोबडी शुड कम, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। नहीं अच्छा लगता तो क्यों इधर आते, प्रेशर ऑफ फोर्स से कभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं चल टिकती है भाई, तो प्रभु डेफिनेटली फर्क पड़ा है, लेकिन जो है ना प्रभु इट इज लाइक 10% 90% का कचरा पड़ा हुआ है। मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज मैंने 30 साल हो गया कृष्ण भक्ति में, 10% ही खराब हुआ है, अगर वो दूसरे अभी दूसरे 10-30 साल में दूसरा 10% 30 साल रहने वाला नहीं हूं तो क्या होगा मेरे लिए। महाराज ने एक ही चीज मुझे बोला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, कितना कचरा भरा है, और वो तुम्हारे कैपेसिटी से ये कचरा निकाल ही नहीं पाने वाला, उसका ये मतलब नहीं है तुम मेहनत नहीं करने वाला है, कृष्ण को तुम्हारे एक्शन से कमिटेड बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू बी वेरी सीरियस इन माय डिवोशनल लाइफ, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग करूं, जपा उठूंगा, जपा करूंगा, भक्तों के संग में रहूंगा, सेल्फलेस सेवा करूंगा, वेस्ट टाइम नहीं करूंगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस पे फोकस रखूंगा, और इन जिंदगी के अंतिम क्षण तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। एक बार जो ये करने के बाद में भी तुम्हारा कचरा पूरा निकलने वाला नहीं है, तुम्हें तो फिर रास्ता ही क्या है, रास्ता एक ही है, इतना दिखाने के बाद में कृष्ण के पास में हाथ ऊंचा करके बोलो, कृष्ण आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई हैव नो अदर होप। हाँ तो फिर अभी रथ यात्रा में क्या मेडिटेट करें,
रथ यात्रा में मेडिट कर रहे कि कृष्णा जो थोड़े समय जो भक्ति किया है ना उसमें थोड़ा कचरा निकला है, थोड़ी जगह अच्छी रह गई है, वो जो अच्छी जगह हो गई ना वहां पे जगन्नाथ आकर के बैठ जाए। गुंडी सब सब ने सब साफ किया लेकिन मेरे में थोड़ी अच्छी जगह है, थोड़ी आजू बाजू में कचरा है लेकिन तुम्हारे बैठने के लिए उतनी जगह है तो उधर आकर के बैठ जाओ। उधर आप जिस पर बैठोगे ना ऐसा ऑटोमेटिकली दूसरा कचरा निकलने का चालू हो जाएगा। योर प्रेजेंस विल मेक लॉट सम डिफरेंस। दिस इज द ओनली वे वी हैव प्रभु, दिस वी हैव टू मेडिटेट इन रथ यात्रा। मेरे को तुम्हारी सख्त जरूरत है प्रभु जी, थोड़ा हैवी बोल देता हूं मैं, बोल देता हूं। अगर अभी भी अच्छा नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि आई कैन मेक माई सेल्फ, मैं कुछ हूं, मैं आगे निकल जाऊंगा, ये सब सेंटिमेंटल है। यू आर फिट टू गेट मोर किक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अभी भी और किक लगेगी आपको। एक व्यक्ति को समझ में आ गया जाना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज टू मच नाउ, आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दिस इज टू मच, बहुत हो गया। जैसे एक बच्चे को जो है ना, वो 12th स्टैंडर्ड में आता है ना, वो बच्चा जिसको कोई मेडिकल के अंदर एडमिशन चाहिए या उसको IIT में जाना है या तो कोई इंजीनियरिंग में बहुत टॉप पोजीशन में उसको जॉब है, एडमिशन चाहिए, वो कैसा दिन रात पढ़ाई करता है मालूम है, 14-15 घंटा। उसको मालूम भी नहीं होता है उसने स्नान किया है कि नहीं किया, उसको मालूम नहीं कि उसका खाना है खा रहा है कि नहीं खाया, इतना उसका फोकस पढ़ाई के अंदर होता है। उसको उसके माइंड के अंदर एक ही होता है, ये अगर नहीं मिला तो मेरा कोई लाइफ का मतलब ही नहीं है, मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी। प्रभु 1000 times मोर वी हैव टू हैव दैट कमिटमेंट इन अवर लाइफ। अगर कृष्णा नहीं मिला तो मेरा लाइफ का मतलब ही नहीं है, क्या पाया है मैंने इधर, आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दिस कॉन्शियसनेस वी हैव टू कीप इट। रियली प्रे टू लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा के वक्त, जगन्नाथ अभी हृदय में आ जाओ, अभी बहुत हो गया ये लस्ट, ये हृदय के अंदर लस्ट ग्रीड एंगर एनवी ईगो ऐसा मेरे को मारा है ना, इतना मारा है और वो मारने की वजह से मैं रगड़ गया हूं मैं इधर। आप आकर के आ जाओ, थोड़ी जगह क्लीन किया, थोड़ा इतना भक्तों का संग किया है ना, 16 rounds, 32 rounds 32 rounds, 128 rounds, 64 rounds, 192, थोड़ा थोड़ा कर लिया है, नो डाउट, और थोड़ा थोड़ा सेवा भी किया है, उससे थोड़ा चीज सुधरा है, इधर आकर के बैठ जाओ, प्लीज हेल्प मी आउट। दिस इज द कॉन्शियसनेस वी हैव टू हैव इट प्रभु। That means three major reasons. First thing is service attitude, feelings of separation, and the third important thing is Prabhu, tell Jagannath to come in our heart. अगर ये तीनों चीज बराबर रख करके हम रथ यात्रा में आएंगे और रथ को जो है खींचने की कोशिश करें, या तो मेडिटेट करेंगे या तो अभी ऑनलाइन से देखेंगे, and we'll pray to Lord Jagannath. Jagannath will be very pleased with us. This is our goal, Prabhu. Let us go internal rather than external. Jagannath rath yatra mein rath khicha, maine rath khicha, lekin andar to kachra hi hai. You think Jagannath is more happy with that? Theek hai, nothing is going wrong, Prabhu. Some purification has taken place. But Prabhu, we wanted to go to the topmost now. Go internal more rather than external. That's why Prabhupada used to say, Jagannath rath yatra is the festival of feelings. So Prabhu, we will meditate in the evening also. I'll be giving the class. I'll be extending all these points more and more. And most important thing, Prabhu, please pray for me also. मेरे लिए प्रार्थना करना, ये बातें करते मैं ना रह जाऊँ. These are all very, very important points in our Krishna consciousness. Take it very seriously and pray for me also that I also be serious. खाली बातें करते ना रह जाऊँ. बातें करना बहुत सेला है प्रभु, और भी हम लोग गुज्जू लोग हैं. गुज्जू और बनिया और गुज्जू बहुत अच्छा रहता है बातें करने में, आई कैन टेल यू। अब देखना प्रभु, गुजराती लोग जो है ना बातें करने में इतने मीठे होते हैं, और मीठे होते हैं वो भी बिजनेसमैन गुजराती तो एकदम मीठे होते हैं, वो डिब्बे में लेते हैं मीठी मीठी बात करते हैं। वही मेरी मेंटेलिटी इधर ना आ जाए प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, एंड आई कैन बिकम वेरी सीरियस इन माई डिवोशन।